क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, लियो की डे 4 यानी कि गाइस आज संडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है, और दूसरी साइड पे कल सैटरडे यानी कि डे 3 की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और इन दोनों में पता है क्या कॉमन है कि भाई अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस आज संडे की जो एडवांस बुकिंग है उसने भाई तबाही का जंप दिया है। दूसरी साइड पे जो कल डे 3 सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी उसमें भी गाइस तबाही का रिस्पॉन्स आया है। मतलब रात को जो मैंने आपको बताया था वो तो मैं आपको कम बता रहा था, लेकिन देखिए मैंने आपको बोला था ना कि नाइट शोज अच्छे जाएंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऊपर जाएगी। तो कल सैटरडे नाइट के नाइट शोज कमाल गए, जिसके बाद भाई साहब अर्ली एस्टिमेट ने ऐसे जंप लिया। तो अभी क्या सारा सीन है, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है कंप्लीट आपका भाई आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस आज डे 4 की एडवांस बुकिंग बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले कल डे 3 यानी कि सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता चलूं, फाइनल टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो गाइस नेट कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट निकल कर आया है वो आया है 40 करोड़ रुपए। जी हां मेरा भाई, कल सैटरडे पे यानी कि भाई साहब डे 3 पे लियो ऑलमोस्ट 40 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। ये कैसे हुआ जरा वो देखिएगा। मॉर्निंग शोज थे 65%, आफ्टरनून हो गए 79%, इवनिंग हो गए 77% और नाइट हो गए 82%। देख ले नाइट शोज कल कितने तबाही गए हैं। मैंने बोला था ना अगर नाइट शो अच्छे गए तो ये गाइस बढ़ के ऊपर निकल जाएगा, और गाइस वही बात हुई, 40 करोड़ की नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है। अब गाइस इस 40 करोड़ में से ऑलमोस्ट जो 33 करोड़ रुपए का अर्ली एस्टिमेट है वो तमिल लैंग्वेज से है, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए तेलुगु लैंग्वेज से, फिर 2-3 करोड़ रुपए भाई साहब जो हिंदी लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज है उसका अर्ली एस्टिमेट, और टोटल 40 करोड़ नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट। अगर मैं इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करूं स्टेट वाइज, तमिलनाडु से 26 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, केरला से 7 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कर्नाटका से 5.50 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रेस्ट ऑफ इंडिया 3.50 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, टोटल 47 करोड़ नेट कलेक्शन, 40 करोड़ ग्रॉस बनी 47 करोड़, ओवरसीज से 30 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है। तो टोटल हो जाता है ऑलमोस्ट 77 करोड़। तो भाई साहब लियो ऑन डे 3 यानी कि कल सैटरडे पे ऑफिशियल कलेक्शन ऑलमोस्ट 77 करोड़ के आसपास करेगी, और इतना करने के बाद ये 300 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी। डे 100 करोड़, डे 2 भाई साहब 200 करोड़, डे 3 300 करोड़। नाउ मूव करते हैं हम आज यानी कि भाई साहब कौन सा, ऑफ कोर्स डे 4, देखते हैं कि डे 4 की एडवांस बुकिंग कैसी है, और उसके बाद क्या ये फिल्म आज 400 करोड़ के क्लब में एंट्री ले पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज, तमिल के अंदर गाइज आज संडे पे एडवांस बुकिंग हुई है 20 करोड़ रुपए की, और कल सैटरडे पे हुई थी 17.58 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए ज्यादा। यस मेरा भाई, 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 11,40,510 टिकट से सोल्ड आउट, कितना 11,40,510 टिकट सोल्ड आउट। और कल गाइस कल मतलब कि सैटरडे पे टोटल जो टिकट से सोल्ड आउट हुई थी वो 11,13,000 थी, और आज खाली तमिल से 11,40,000 की टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं। 178 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस है भाई, 7,000 शोज हैं, कल भाई साहब थे ऑलमोस्ट 6,700, 300 शोज बढ़ चुके हैं। सो जंप देख ले, कल सैटरडे की जो टोटल एडवांस बुकिंग थी आज उतना तमिल से हो रहा है। मतलब कि कल मैं अगर आपको बताऊं तो डे 3 जो था सैटरडे उसकी जो टोटल एडवांस बुकिंग थी वो हुई थी 19.98 करोड़, और आज गाइस संडे पे सिर्फ तमिल लैंग्वेज से 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो रही है, 11,40,000 टिकट सोल्ड आउट भाई साहब, 178 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस, 7,000 शोज। आईमैक्स तमिल आईमैक्स 45 लाख की एडवांस बुकिंग, 7,960 टिकट से सोल्ड आउट, 706 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 50 शोज।
तेलुगु लैंग्वेज 1.3 करोड़ की एडवांस बुकिंग। तेलुगु में बोलूंगा मैं ये फिल्म डाउन हो रही है क्योंकि कल सैटरडे था भाई साहब, तेलुगु से एडवांस बुकिंग हुई थी 1.41 करोड़ रुपए की, उससे पहले फ्राइडे था 1.6 करोड़ की एडवांस बुकिंग और आज हुई है 1.3 करोड़ की एडवांस बुकिंग। 82,270 टिकट से सोल्ड आउट, 155 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 1560 शोज हैं इसके पास। अगर मैं बात करूं कनाडा की, कनाडा में जंप आया है, 6 लाख की एडवांस बुकिंग, आई नो कम है लेकिन अब देखिए फ्राइडे पे भी 5 लाख की एडवांस बुकिंग थी, कल अगर देख ले सैटरडे पे भी ऑलमोस्ट 5.3 लाख की एडवांस बुकिंग थी और आज 6 लाख की एडवांस बुकिंग, 3,890 टिकट सोल्ड आउट, 154 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 64 शोज। नाउ हिंदी बेल्ट भाई साहब बहुत दुख होता है, क्या मैं करूं। खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं फ्राइडे वाले दिन हिंदी से एडवांस बुकिंग हुई थी 37 लाख, कल संडे सैटरडे पे हुई 47 लाख और आज संडे पे एडवांस बुकिंग हुई 64 लाख रुपीज, 40,000 टिकट से सोल्ड आउट, 162 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 3700 शोज। देखिए भले ही ये कम एडवांस बुकिंग है, यानी फ्राइडे पे 37 लाख, कल सैटरडे पे 47 लाख और आज 64 लाख, ये भले ही कम है लेकिन जो 7 बॉलीवुड की जो नॉर्थ की जो हिंदी की अपनी मूवीज आई है ना, यारियां 2 ले लो या फिर उसके बाद गणपत ले लो, उनकी एडवांस बुकिंग कम है। यहां पर लियो एटलीस्ट जंप तो लेकर जा रही है, फ्राइडे को कम थी, सैटरडे को उससे ज्यादा हुई, आज संडे को उससे ज्यादा है, लेकिन उधर दूसरी साइड पे जो बॉलीवुड की अपनी फिल्म्स हैं गणपत यारिया टू, उनकी एडवांस बुकिंग ऐसे चल रही है, तो यहीं से मेकर्स को सोच लेना चाहिए था। खैर 64 लाख की एडवांस बुकिंग, 40,000 टिकट से सोल्ड आउट, 162 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस, 3700 शोज। अगर मैं इसको टोटल करूं इन 5 के 5 फॉर्मेट, तमिल आईमैक्स, तेलुगु, कन्नड़ा एंड हिंदी, तो टोटल एडवांस बुकिंग हुई है 22.58 करोड़, 22.5 करोड़, और कल हुई थी 19.98 यानी कि 20 करोड़, और आज हुई है 22.58 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा। ऑलमोस्ट 12,75,000 टिकट सोल्ड आउट, 12,75,000 ये एग्जैक्टली बनते हैं 12,74,173 हम बोल सकते हैं, 12,345 शोज बड़े मजे के देखना, 12,345 शोज हो चुके हैं। अब गाइस नाउ मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आ सकती है, तो 22.58 करोड़ की गाइस एडवांस बुकिंग है। इस एडवांस बुकिंग के बाद सिर्फ इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट होगा वो 45 करोड़ का होगा, उससे कम नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। देखिए संडे है ना, आज संडे का एक इशू भी होता है कि आज संडे के नाइट शोज कभी भी अच्छे नहीं जाते क्योंकि अगले दिन प्रॉपर वर्किंग डे मंडे होता है। मंडे वाले दिन ऑफकोर्स आपको पता है बड़े से बड़ी छोटी से छोटी मूवी डाउन होती है और सबने ऑफकोर्स वर्किंग डे का फर्स्ट डे होता है, जॉब स्कूल एटसेट्रा हर जगह पे जाना होता है, जिस वजह से संडे के नाइट शोज अच्छे नहीं जाते, ऑडियंस ने सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है एटसेट्रा। सो अगर सब कुछ ओके रहा तो 45 करोड़ की नेट कलेक्शन और ग्रॉस ऑलमोस्ट 55 करोड़ तक जाएगी। अगर इतना जाता है ओवरसीज से तो 30 करोड़ पक्का है, तो ऑलमोस्ट 80-90 करोड़, 80 से 90 करोड़ रुपए आज संडे पर भी आने वाला है, और अगर दिमाग घूम गया लियो का तो ये 100 करोड़ भी कर सकती है। सो अगर मैं ये बोलूं कि आज ये 400 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगी या नहीं, तो भाई साहब 400 करोड़ का तो मुझे डाउट ही है, मुझे इतना बिलीव है कि ये फिल्म ऑलमोस्ट 370-380 की लाइन में जरूर आ जाएगी। सो अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है भाई साहब, ये फिल्म पहले 4 दिन तो कमाल चली, यानी कि अभी इसका डे 4 है, लेकिन कल मंडे से क्या होने वाला है। तो गाइस कल मंडे की सुबह जब एडवांस बुकिंग देखेंगे इसी टाइम, तो उसमें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया।